जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में सही पढ़ा। तो हम प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले गूगल में टाइप करेंगे fcs.up.gov.in और खरीद हेतु किसान पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अगले इंटरफेस में चलेंगे। यहाँ पर कुछ देर के लिए लोडिंग लेगा, शायद मेरा इंटरनेट स्लो है इसीलिए। तो देखते हैं आगे की प्रोसेस। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप प्रिंट आसानी से निकाल सकें। तो यहाँ पर हमारा इंटरफेस आ चुका है, किसान पंजीकरण हेतु विकल्प। तो यहाँ धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर से लोडिंग ले रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ से नवीन पंजीकरण संशोधन, पंजीकरण ड्राफ्ट, पंजीकरण लॉग, पंजीकरण फाइनल प्रिंट आउट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पंजीकरण संख्या या आधार कार्ड संख्या डालेंगे। तो हमारे पास आधार कार्ड संख्या अवेलेबल है, तो हम आधार कार्ड संख्या डाल लेते हैं। आधार कार्ड संख्या डालने के बाद हम कैप्चा कोड भरेंगे और टिक मार करके आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रिंट आ चुका है। अब हमें इसको प्रिंट करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि हमारा एडीएम द्वारा भूमि सत्यापन की स्थिति सत्यापित है या नहीं। अगर सत्यापित है आपकी भूमि तो आपको प्रिंट निकाल लेना है और अपने धान क्रय सेंटर पे जमा कर देना है। प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना प्रिंट निकाल लेना है।